नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे आपका 20 तारीख का मार्केट कैसा रहेगा, क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में, और क्या आपका राशिफल रहेगा। तो जी हां दोस्तों, हमारी जानकारियां जो रहती हैं एस्ट्रोलॉजी के बेस पर रहती हैं। हम केवल एस्ट्रोलॉजी के बेस पर ही आप लोगों को जानकारी देते हैं, यह बात ध्यान में रखें। और जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, मार्केट का रुख जरूर देखें, अपने स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, और इसके बाद आप ज्योतिष के टिप्सों को देख सकते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कल के मार्केट के लिए बहुत सारी न्यूज़ें आ रही थी कि मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को जो वीडियो दिया था सोमवार का, उसमें कहा था कि जो 9 से लेकर के 11 बजे तक यहाँ हमें मंदी की स्थिति देखने को मिलेगी, डाउन की स्थिति, और इसके बाद हमें कुछ सुधार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, यह आपके सामने आज का चार्ट है निफ्टी का, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका पंचांग क्या कह रहा है, आपकी राशि क्या कह रही है, ग्रहों का प्रभाव जो है सभी व्यक्ति वस्तुओं पे और पर्यावरण पर पूर्ण रूप से पड़ता है। तो जैसा कि बुध अस्त हुआ है, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो जैसे भी ग्रह स्थिति बनती है, युति बनती हैं, उसके अनुरूप यह सारी बातें घटित होती हैं। किसी एक पॉइंट को देख करके फलित कर देना ज्योतिष शास्त्र में जो है ठीक नहीं होता, तो इसके गहन अध्ययन के बाद ही किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट क्या रहेगा। तो सबसे पहले पंचांग देख लेते हैं। 20 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन रहेगा, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात को 9:06 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, मिथुन राशि रहेगी, और 2:22 से कर्क राशि का प्रभाव रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, कल बाज़ार में क्या स्थिति बनेगी निफ्टी में, इसके बारे में भी आपको बतलाऊँगी। सबसे पहले राशिफल का भी विचार कर लेते हैं। तो यह राशिफल आप अपनी जन्म नाम की राशि, चालू नाम की राशि से देख सकते हैं, लेकिन हमें अधिक सूक्ष्म गणना अपनी जन्म पत्रिका से ही करवाना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे कार्यालय से जो है गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि विदेशी बाज़ार में देखा गया था शुक्रवार की रात में जो है बहुत मंदी का दौर हमें देखने मिला था, और लेकिन हमारे यहाँ पर मार्केट में कुछ तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि यह ज़रूरी नहीं है कि विदेशी में यदि मंदी होती है तो हमारे यहाँ पर भी मंदी की स्थिति ही बने। यह ग्रह स्थितियों का प्रभाव रहता है, इसके आधार पर जो है सिचुएशन बदल जाती है। अब देखते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले राशिफल का अवलोकन कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो है कल लाभ का दिन है, काम करके लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है, काम करके लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो है 2:30 के बाद से लाभ का योग बनेगा, बाकी सुबह हानि का योग है, सावधानी रखें। कर्क राशि वालों को हानि हो सकती है, सावधानी रखें। सिंह राशि वालों के लिए पूर्ण हानि का योग बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है। कन्या राशि वालों के लिए पूर्ण लाभ का योग बना हुआ है। तुला राशि वालों के लिए भी लाभ का योग बना हुआ है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है। धनु राशि वालों के लिए मिश्रित योग लाभ हानि का, तो यदि आपको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट करके आप बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ जो है मकर राशि वालों को लाभ का योग है। कुंभ राशि वालों के लिए पूर्ण हानि समझ में आ रही है। मीन राशि वालों के लिए जो है लाभ का योग बना हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, यह एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से निफ्टी में कल स्थिति बन सकती है। तो जैसा कि जो ओपन हुआ था 17,540 पे ओपन हुआ था, लो गया था 17,429, हाई गया था 17,668 और इसके साथ जो बंद हुआ था 17,622 पे ये बंद हुआ था। जैसा कि जो मेरे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, जिनको कि मैंने जो है गणना निकाल कर दी थी कि क्या मतलब आपका टारगेट रह सकता है, तो इसमें जो हाई के लिए दिया गया था निफ्टी में 17,625 दिया गया था,
और जो है लो के लिए 17,417 का दिया गया था, जो कि 17,429 तक आपका मार्केट गया। जी हाँ दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम टारगेट निकाल के देते हैं या कॉल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किस दिन तेजी है, किस दिन मंदी है, यह ग्रह स्थिति के अनुसार ही जाना जा सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या मार्केट कल रह सकता है। तो यदि हम ग्रह स्थिति देख रहे हैं तो ग्रह स्थिति के अनुसार जो गणना से समझ में आ रहा है वह है कि कल मार्केट में कुछ तेज़ी देखी जा सकती है, लेकिन 2 बजे के बाद से आपका मार्केट किसी भी दिशा में रुक कर सकता है, तो इसके बाद आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। और कल जो टारगेट में काम हो सकता है लगभग जो है लगभग 100 से लेकर के 160 पॉइंट के बीच में ग्रह स्थिति के अनुसार कार्य के योग बन रहे हैं। तो यह रहा आपका टारगेट। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।